So in this video I will solve a solid state physics question, came in GATE 2018 and it is of 2 marks. The question is, a p-type semiconductor slab carries a current I which is equal to 100 milliamps in a magnetic field B which is 0.2 tesla as shown. So is figure mein sab de rakha. One measures Vy which is 0.25 millivolts and Vx which is 2 millivolt. The mobility of holes in the semiconductor in units, ye units de rakhiya, up to 2 decimal places. Mobility batani hai hame in the semiconductor with in 2 decimal places. So is question mein kya kya raha hai ki current flow kar raha hai is direction mein, which is inhone directions de rakhi hai. This is x directions and the outward is y and the downward is z. Theek hai? So vertical direction z hai, horizontal direction x hai and outward direction jo hai wo y hai. So is aise hi lenge hum. So current flow kar raha hai in the x direction. So current aise flow kar raha hai in the x direction ix. So electrons kaise flow karenge? So current aise flow kar raha hai matlab voltage aise hai, this is plus, this is minus. So electrons flow opposite in the direction. Theek hai, current jis direction mein flow karta hai electrons opposite direction mein flow karte hain. So isse bhi dekh sakte hain yahan pe positive hoga. So electrons इधर flow करेंगे and जो holes हैं in the semiconductor, क्योंकि ये p-doped है, so इसमें holes भी हैं, holes ज़्यादा हैं, holes are greater than the electrons. ठीक है, so holes भी हैं, so holes positively charged होते हैं, so ये opposite direction में जाएंगे, holes will move in the direction of the current. Okay, and we have a magnetic field also which is applied in the downward direction, in the z direction. So bz कह सकते हैं इसे. So in the z direction, bz direction में magnetic field apply करिए एक and voltage. So इसकी वजह से क्या होता है, इस effect को हम Hall effect भी कहते हैं. Hall effect, जब current के perpendicular हम magnetic field apply करते हैं, so इसमें Lorentz force के कारण जो electrons हैं वो एक direction में ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं एंड दूसरी डायरेक्शन पे होल्स हो जाते हैं. सो उससे क्या होता है कि एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जैसे अगर हम इसमें लॉरेंट्स फोर्स लगाएंगे, सो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो लॉरेंट्स फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, क्यू वी क्रॉसिस विद बी. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेलोसिटी उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो डाउनवर्ड में कर देंगे, सो जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स सारे यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड जो होल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे सारे. होल्स क्यों इधर आ जाएंगे, होल्स भी वैसे इधर मूव करेंगे क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होती है. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोबिलिटी ऑफ होल से बहुत ज़्यादा होती है. सो इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, होल्स एक तरफ. सो इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज डेवलप हो जाएगी प्लस माइनस. सो एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी विच इज़ कॉल्ड द होल वोल्टेज, जिसको हम होल वोल्टेज कहते हैं, समटाइम्स वी एच से डिनोट करते हैं. सो ये होल वोल्टेज इस डायरेक्शन में हमें दिखाई देगी. ठीक है, इस डायरेक्शन में, इन द वाई डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो ये जो वी वाई है, दिस इज द होल वोल्टेज वी एच, इसको वी एच से डिनोट करते हैं एंड इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी विच विल बी इन द वाई डायरेक्शन ओनली, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन ई वाई एंड जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ये इस वोल्टेज के वजह से फ्लो कर रहा है वी एक्स. ओके, दिस इज द इन द एक्स डायरेक्शन. सो करंट जो आई एक्स फ्लो कर रहा है इसकी वजह से, ये वोल्टेज की वजह से फ्लो कर रहा है वी एक्स. ओके, सो हम इसमें क्या करेंगे, मोबिलिटी हमें निकालनी है सबसे पहले. सो ये फिनोमिना समझ में आ गया, जो होल इफेक्ट होता है इसकी वजह से जो ये सब हो रहा है. सो हम इस फिनोमिना का हमें यूज़ करना पड़ेगा मोबिलिटी निकालने के लिए. सो मोबिलिटी ऑफ होल्स होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये मोबिलिटी का जनरल फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई ई टाउ बाय एम.
इससे जो मोबिलिटी आ जाएगी, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई टाउ बाय एम, सो इससे मोबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, म्यू विल बी ई टाउ बाय एम। ठीक है, सो मोबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास, हमें ये नहीं पता रिलैक्सेशन टाइम क्या एंड मास भी नहीं पता, सो हम ये फॉर्मूला अभी यूज़ नहीं कर सकते, हम कोई और फॉर्मूला देखेंगे। सो हमें पता है कि करंट इन अ सेमीकंडक्टर, जो करंट फ्लो कर रहा है वो होता है ए एन ई वी डी, और करंट डेंसिटी हम कह सकते हैं जे, विच इज़ द आई बाय ए, करंट डेंसिटी वो होता है एन ई वी डी, एंड वी डी हमें पता है कि म्यू इंटू ई है, सो ये हो जाएगा एन ई म्यू ई। एंड हमें करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी जे होता है सिग्मा इंटू ई, सिग्मा वेयर सिग्मा इज़ द कंडक्टिविटी एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स, एंड जे इज़ करंट डेंसिटी। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, जे इज़ इक्वल टू एन ई म्यू एंड जे इज़ इक्वल टू सिग्मा, सो मेरे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाता है, ये हमें याद भी रखना चाहिए, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला विच इज़ एन ई म्यू। सो होल्स के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हैं, सो होल्स के लिए मैं कंडक्टिविटी लिखूंगा सिग्मा पी से, सो ये हो जाएगा एन की जगह, एन इज़ द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो ये मैं पी से डिनोट करूंगा यहाँ पे, सो पी से डिनोट कर दिया, एंड ई इज़ द चार्ज ओनली, सो ये ई रहने देता हूँ, एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स इज म्यू पी। ठीक है, सो यहाँ से हम मोबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ होल्स हमें पूछा, मोबिलिटी ऑफ होल्स, सो म्यू पी विल बी इक्वल टू सिग्मा पी बाय ई पी, सो डैट विल बी इक्वल टू, नाउ सिग्मा पी तो हम अलग से निकाल सकते हैं, एंड वन बाई ई पी जो है वो होता है आर एच के इक्वल, विच इज़ द होल कोफिशियंट कहते हैं आर एच को, दिस इज होल कोफिशियंट, और इसकी वैल्यू हमें पता है, सो इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। नाउ मैं बताता हूँ कैसे कैसे होगा। सो आर एच जो है, सबसे पहले आर एच विच इज़ वन बाई ई पी जो मैंने इधर बताया, उसकी वैल्यू होती है ई वाई बाय जे एक्स इंटू बी जेड, ई वाई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जे एक्स इज़ द करेंट डेंसिटी जो करेंट फ्लो कर रहा है, एंड बी जेड इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो ये हो जाएगा, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ई वाई क्या होगा, ई वाई हो जाएगा वी वाई बाय द वोल्टेज डेवलप्ड बाय इट्स लेंथ, सो लेंथ यहाँ पे है डब्ल्यू, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, सो विड्थ डब्ल्यू है, ना हमें थिकनेस भी दे रखी है, डब्ल्यू भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, सो ये सारे डायग्राम में तीनों चीज़ें दे रखी हैं, सो ये हो जाएगा, एंड जी एक्स जो करंट डेंसिटी है वो होगी आई एक्स बाय ए एरिया, सो आई एक्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जिसके अक्रॉस ये करंट फ्लो कर रहा है, सो एरिया, ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया क्या है टी इंटू डब्ल्यू, सो ये हो जाएगा टी इंटू डब्ल्यू, एंड यहाँ पे हम इस सब को पुट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा वी वाई बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, एंड बी जेड और जी एक्स की वैल्यू है आई एक्स बाय टी इंटू डब्ल्यू, सो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी वाई इंटू टी बाय आई आई एक्स इंटू बी जेड। सो ये हमारे पास आर एच कोफिश आर एच दो होल कोफिशियंट होता है, इसकी वैल्यू आ गई। नाउ हम कंडक्टिविटी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज़ द कंडक्टिविटी सिग्मा पी, सो हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, सो रेजिस्टिविटी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी आर ए बाय एल, सो कंडक्टिविटी हो जाएगी एल बाय आर ए। ओके, सो इससे निकाल सकते हैं, सो सिंपली यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एल एल बाय आर ए, वेयर आर जो है रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो इसके करंट की वजह से होगा इस डायरेक्शन में, सो इसको मैं लिख सकता हूँ आर विल बी वी एक्स द वोल्टेज अलोंग द एक्स डायरेक्शन बाय आई एक्स, एंड ये हो गया आर, एंड ए हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज़ जो यहाँ पे मैंने डिफाइन करा था टी इंटू डब्ल्यू, टी इंटू डब्ल्यू, सो सिग्मा पी जो होल की कंडक्टिविटी है सिग्मा पी डैट विल बी इक्वल टू एल बाय आर ए विच विल बी एल बाय आर इज वी एक्स बाय आई एक्स, सो आई एक्स ऊपर चला जाएगा इंटू
डिवाइडेड बाय ए बी है विच इज़ डब्ल्यू टी. सो ये हमारे पास सिग्मा पी की वैल्यू आ गई. नाउ हम सिंपली मोबिलिटी निकाल सकते हैं. म्यू पी विल बी आर एच इंटू सिग्मा पी. आर एच हमने निकाल लिया है वी वाई टी बाय आई एक्स इंटू बी जेड इंटू एल आई एक्स बाय वी एक्स डब्ल्यू टी. सो यहाँ पे आई एक्स कट जाएगा एंड ना और कोई टर्म टी टी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा वी वाई एल बाय बी जेड इंटू वी एक्स इंटू डब्ल्यू. सो ये मोबिलिटी आ जाएगी, फाइनल एक्सप्रेशन जो मोबिलिटी का आएगा. ये अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आप वो याद भी रख सकते हो, वरना आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो. सो मोबिलिटी अगर हम इसमें सारी वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास सारी वैल्यू इसमें दे रखी हैं. वी वाई की वैल्यू है 0.25 मिली वोल्ट विच इज़ दिस एंड एल है लेंथ 10 मिलीमीटर विच इज़ 10^-3 एंड बी जेड है हमारे पास 0.2 टेस्ला एंड वी वाई इज़ वी एक्स सॉरी वी एक्स इज़ वी एक्स दे रखा था 2 मिली वोल्ट एंड द लास्ट W W इज 4 मिलीमीटर. सो 4 × 10^-3 सो ये 10^-3 तो सारे हट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 2.5 बाय 4 × 2 × 2 डैट विल बी 1.6. सो इसको अगर डिवाइड करेंगे सो आएगा 1.5625. सो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा है तो मोबिलिटी हो जाएगी 1.56 इन यूनिट्स ऑफ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके सो आप इसकी यूनिट में निकाल सकते हैं, यही आएगी. ओके सो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था हॉल कोफिशिएंट हॉल मेथड्स की वजह से, हॉल इफेक्ट जो होता उसकी हेल्प से. सो थैंक यू.